हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कमाल की वीडियो, जिसमें मैं आपको पांच ट्रिक ऐसी बताने वाला हूं जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी मशीन कभी भी नहीं फूकेगी। उसमें चाहे आपकी कोई सी भी मशीन हो, मिल्टी मशीन, ग्राइंडर मशीन, कटर मशीन, हैमर मशीन, ATC, कोई भी मशीन हो, वो मशीन कभी नहीं फूकेगी। ये पाँच ट्रिक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हमें वोल्टेज का ध्यान रखना है। जिस भी जगह पर हम काम करते हैं, सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि वहाँ की वोल्टेज कितनी है। यदि वहाँ की वोल्टेज 120 से कम है तो हमें बिल्कुल भी मशीन यूज नहीं करनी, बिल्कुल भी मशीन नहीं चलानी। और 240 से ज्यादा है तब भी हमें मशीन बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। 220 से 240 के बीच में ही रहनी चाहिए वोल्टेज, तभी हमें मशीन यूज करनी चाहिए। इससे हमारी मशीन अच्छा करंट और अच्छी हैवी पावर के साथ चलती रहेगी। नंबर टू, डबल फेस। उसी कंपनी में क्या होता है, डबल फेस की लाइट रहती है, उसमें एक सिंगल फेस का भी ऑप्शन रहता है। तो हमें सुनिश्चित करना है कि कहीं डबल फेस में हम ये मशीन ना लगाते। डबल फेस में लगाते ही आपके मात्र 2 से 3 सेकंड में मशीन फूक जाएगी। इसीलिए हमें हमें हमेशा सुनिश्चित करके ही काम करना है कि ये सिंगल फेस है या डबल फेस है। नंबर तीन, ओवरलोड। हमें अभी भी मशीन चलाते हुए इतना लोड नहीं डालना मशीन पे कि मशीन के जो RPM है, जैसे कि इसके RPM 11,000 है, तो इसके RPM खाली पे 11,000 है। लोड पड़ने के बाद सिर्फ इतना लोड डालना है जिससे कि सिर्फ इसका RPM 1,000 ही कम हो, यानी 10,000 कम से कम इसके RPM चलते रहने चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है, डबल ब्लेड लगा के बंदे मशीन को ऐसे दाब के चला देते हैं, इसकी बिल्कुल मशीन की स्पीड कम हो जाती है, इस कारण भी मशीन फूक जाती है, जो सबसे मेन तीसरा कारण बनती है मशीन फूकने का, ओवरलोड। नंबर चार, हमें जनरेटर पर मशीन यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों यूज नहीं करनी चाहिए, हम इसका कारण जान लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट रेट यानी फ्रीक्वेंसी लाइट की सेट है, एक सेकंड में 50 बार आती, 50 बार भागती है, जो कि सब मशीनों पर मेंशन है। आप किसी भी मशीन को उठा लो, जैसे कि ड्रिल मशीन है, इस पर भी 50 हर्ट रेट इस पर मेंशन है। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे जो जनरेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट रेट है, 50 पर सेट है। यदि इससे कम है तो हमें बिल्कुल भी मशीन नहीं चलानी। हमें पता कैसे लगाना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम ऐसे पता लगा सकते हैं, जनरेटर की लाइट ब्लिंक करती है, जल्दी जल्दी ब्लिंक करती है और हमें ट्यूबलाइट में बल्ब में जलती हुई दिख जाती है। तो हमें ऐसे जनरेटर पर मशीन नहीं चलानी है, हमें उस जनरेटर पर मशीन चलानी है जिसकी लाइट बिल्कुल भी ब्लिंक ना करे। नंबर पांच, हल्का तार। हल्का तार से मतलब जैसे कि हमें चाहिए होता है 2.5 mm या 2 mm का तार या 1.5 mm का तार, हम उस पर यूज करते हैं 1 mm या उससे कम। इस कारण तार गर्म होने की वजह से जो करंट, जो इनपुट मशीन को मिलना चाहिए वो इनपुट नहीं मिल पाता। कम वोल्टेज होने की वजह से मशीन ओवरहीट होती है और फूक जाती है। हमें इस चीज का सबसे खास ध्यान रखना है कि हमें मशीन के पहले वोल्टेज चेक करके और वाट चेक करके उसके बाद ही तार यूज करना है। जैसे कि ये हमारा 1000 वोल्ट का ग्राइंडर है, इस ग्राइंडर पे हमें मिनिमम 1.5 mm या 2 mm का तार यूज करना है। इससे कम यदि हम इससे यूज करते हैं तो ये ओवरहीट होकर फूक जाएगा। ओवरहीट होने का कारण मैंने आपको बताया है कि तार पीछे से गर्म हो जाता, हीट हो जाता है, जो करंट उसे आगे भेजना चाहिए वो आगे करंट नहीं भेज पाता गर्म होने की वजह से, तो मशीन फूक जाती है। इसका हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, जो कि हम नॉर्मल करते ही करते हैं इस काम को। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको 5 रीजन बताए, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।